जय हिंद। आज का वीडियो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट नंबर 2 होने वाला है। पार्ट नंबर 1 में आपने क्या क्या पढ़ा था, तो थोड़ा सा हम उसको रिकैप करते हुए और अपने टॉपिक को लिंक करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। और आज इस टॉपिक में हम लोग समझने वाले हैं बेसिकली बकल कैविटी, पूरा माउथ वाले हिस्से को अच्छी तरीके से समझेंगे। और इस माउथ वाले सेक्शन को समझने के बाद इस फूड पाइप को समझेंगे, और आफ्टर फूड पाइप हम लोग चलेंगे स्टमक के फंक्शन को समझेंगे कि स्टमक का इस डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या रोल होता है। तो आइए एक बार हम लोग थोड़ा सा पार्ट को अच्छे से रिवीजन करते हैं। और जिन्होंने अभी तक पार्ट 1 को नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा, वहां से जाकर के पार्ट 1 को बढ़िया तरीके से देख करके आओ। इस डाइजेस्टिव सिस्टम से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ये हमारी 99% गारंटी है। आप किसी भी लेवल का एग्जाम दो, चाहे लोअर एग्जाम दो चाहे हायर एग्जाम दो, क्वेश्चन यहीं से आएंगे और बहुत आसानी तरीके से आप लोग कर लोगे। चलिए थोड़ा सा हम लोग पहले पार्ट 1 को थोड़ा सा रिवीजन में लेते हैं। देखो हमने आपको पार्ट 1 में क्या समझाया था, हमने कहा देखो भाई यहां पे एक चंगुलाला है, वही अपने चंगुलाला है। हमने कहा था कि इनकी बॉडी किससे बनी है, सेल से। इनकी बॉडी किससे बनी है, सेल से। ये एक सेल है, कोशिका है, और इस कोशिका को खाना चाहिए। हमने कहा कि सर एक दिन मैं इसको दाल भात लेके गया देने कि भैया सेल खाना खा लो, कह रहे नहीं। हम बोले क्या चाहिए तुमको, कह रहे खाने में तू जो तुम हमको दाल चावल लाए हो ना, तो चावल में से ग्लूकोज, चावल में से ग्लूकोज और दाल में से क्या अमाइनो एसिड निकाल के दो। हम बोले अच्छा तुमको ये चाहिए, तो एक मिनट रुको हम उसको एक मशीन में डाल देते हैं। तो भैया हमारे पास वो कौन सी मशीन है जो क्या करेगी, जो हमारे पास ये दाल रोटी है ना, ये देखो दाल और चावल, सिंपली आप समझ लो। तो भैया आप ये जानते हो कि चावल क्या है, यह एक कार्बोहाइड्रेट का सोर्स है, ये एक कार्बोहाइड्रेट का सोर्स है। और ये दाल जो है पल्स क्या है, तो पल्सेस हमारी क्या होती हैं, प्रोटीन की सोर्सेस होती हैं, प्रोटीन के सोर्सेस हैं। हम लेके गए इन सेल चाचा को देने कि भैया सेल ले लो यार, क्यों इतने ज़्यादा गुस्से में हो, इकर नहीं लेंगे हम। हमने बोला फिर क्या लोगे तुम, कह रहे हैं कि एक काम करो इस कार्बोहाइड्रेट का स्मॉलेस्ट पार्ट लेके आओ। क्या एकदम भैया स्मॉलेस्ट पार्ट इसका होता है ग्लूकोज, और इस प्रोटीन का एकदम स्मॉलेस्ट पार्ट क्या होता है एमाइनो एसिड। क्या एमाइनो एसिड, तो हम कहे भैया अब लोगे, और जब इसके पास लेके गया मैं तो अब खुश हो गई, अब इसने ले लिया। तो हमें इस दाल चावल या फिर जो भी हम फूड लेते हैं, तो हमें इस वाले पोर्शन पे आने के लिए एक मशीन में इसको भेजना पड़ेगा, जिस मशीन का नाम क्या है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। और इस डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने कहा था कि इस पूरी मशीन को हम दो भागों में डिवाइड करते हैं, कौन कौन सा, एलिमेंट्री कैनाल और क्या, और क्या बताया था, बहुत सारी हमारी ग्लैंड्स होती हैं, डाइजेस्टिव ग्लैंड जिन्हें कहते हैं। हमने कहा था देखो भैया यहाँ पे बकल कैविटी हो गई, ठीक है, फेरिंग्स हो गया, एपिग्लोटिस हो गया, इसोफेगस फूड पाइप हो गई, स्टमक हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, ये सभी एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट हैं। और डाइजेस्टिव ग्लैंड में कौन कौन सी है, डाइजेस्टिव ग्लैंड में लीवर है, ठीक है, सेलवरी ग्लैंड्स ऊपर आपको मिल जाएंगी, और पेंक्रियाज है, ठीक है। तो इसी मशीन के बारे में हम लोगों ने पार्ट 1 में बात किया था कि हम आपको अगले वाले पार्ट में, मतलब इस पार्ट में हम आपको क्या समझाएंगे, इन सभी का फंक्शन समझाएंगे कि किस तरीके से हम इस लास्ट वाले प्रोसेस तक इस स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुँच जाते हैं। समझ में आ गया, ठीक। अच्छा एक बात मैं आपसे और करना चाहूँगा, देखो डाइजेशन का मतलब ये नहीं होता है कि आप उससे एनर्जी पा जाओगे। डाइजेशन का मतलब क्या है, आप ये देख रहे हो कि हमने जो दाल को, दाल से हमने क्या किया, जो ये अमाइनो एसिड निकाला, दाल से इस अमाइनो एसिड के निकलने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डाइजेशन कहते हैं। बात समझ में आया कि नहीं, अभी भी हमारी सेल एनर्जी थोड़ी पाएगी, हमें इसको भेजना पड़ेगा, इसको देने लो भैया पकड़ो तुम खाओ पियो मस्त रहो, और फिर ये ग्लूकोज लेकर के इसको ब्रेक करके अब एनर्जी पाएगी। तो खाने से हमें एनर्जी थोड़ी मिली है, और खाने के बाद भी हमारा जो डाइजेशन हो गया है वहाँ से भी एनर्जी नहीं मिली, फिर मिली कहाँ से, जब ये सेल के पास जाएगा और सेल इसकी ब्रेकिंग करेगी तब जा करके मिलता है।
इतनी बात को ध्यान में बनाए रखना, टॉपिक बहुत ही मज़ेदार तरीके से आपको मैं समझा दूंगा, ठीक है। चलिए, ये सारी चीज़ें चंगुलाला की बात हम लोगों की समझ में आ चुकी हैं, तो हम लोग जो है अपनी इस टॉपिक को थोड़ा सा आगे अब कंटिन्यू करते हैं। चलो भैया आ जाओ, थोड़ा सा अपनी बातों को आगे बढ़ाया जाए। देखो भाई, सबसे पहले हम लोग ये पढ़ने वाले हैं कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम, ये हमारी मशीन है, इसका सबसे ऊपर वाला रीजन अर्थात ये पूरा पूरा हमारा माउथ वाला सेक्शन, ये पूरा पूरा माउथ वाला सेक्शन। अब ये नहीं कहना सर आँख उख पढ़ाओगे क्या? अरे नहीं, आँख इसमें आता है क्या? डाइजेस्टिव सिस्टम में नहीं आता है। तो माउथ में जरा क्या क्या आया जरा देखो, तो इस माउथ वाले सेक्शन को हम लोग सबसे पहले पढ़ने वाले हैं भाई, ठीक है। अरे इस माउथ में क्या क्या पढ़ाएंगे आपको, ध्यान से सुनो। सबसे पहला तो भैया आपको पढ़ाएंगे हम टीथ के बारे में, किसके बारे में? टीथ के बारे में। दूसरा नंबर आपको क्या बताएंगे, दूसरे नंबर पे हम आपको बताएंगे टंग के बारे में, जीभ के बारे में अर्थात जिह्वा के बारे में, और क्या बताएंगे हम आपको भैया यहीं पे बताएंगे सलाइवा के बारे में, क्योंकि यहीं पे सलाइवा भी मिल जाएगी, ठीक, सलाइवा के बारे में बता देंगे। और क्या बचा, टीथ हो गया, टंग हो गया, सलाइवा हो गई, और कुछ बचा क्या? नसल कैविटी, बकल कैविटी बताने का कोई मतलब विशेष रूप से है नहीं, बेसिकली यहीं से क्वेश्चन आप सभी के एग्जाम में भी आते हैं। तो आइए हम लोग इस माउथ वाले सेक्शन का सबसे पहला रीजन पढ़ते हैं। अच्छा, इस माउथ को हम और किस नाम से जानते हैं? तो हम ये कह सकते हैं कि सर आप बात करने वाले हो बकल कैविटी के बारे में। ये बकल कैविटी क्या है? देखो, अपना मुंह जब ऐसे बाओगे आ, तो ये पूरा जो तुमको दिख रहा है होल वाला संरचना ना अंदर से, यही तुम्हारा बकल कैविटी है। बात समझ में आया कि नहीं? अब ये नसल कैविटी क्या होता है? तो नाक वाला जो पूरा रीजन है ऊपर वाला, तो उसके अंदर भी एक होल है, ये वाला रीजन देखो ये, और ये दोनों आपस में एक जगह मिलते हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं? फेरिंग्स कहते हैं, ग्रसनी कहते हैं इसको। बात समझ में आया कि नहीं? ठीक है, तो ये तो दोनों का मिलन वाला रीजन है, ठीक है। फिर आगे चल करके ये दो पाइप में डिवाइड हो जाता है, ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे, फिलहाल के लिए ये देखते हैं। सबसे पहला सेक्शन हम लोग पढ़ते हैं टीथ के बारे में, आ जाओ। सबसे पहला हम लोग स्टार्ट करते हैं टीथ के बारे में। देखो भाई, आप अपने माउथ को जब देखते हो तो आपको ये आगे इस तरीके से कुछ दांत समझ में आ रहे होंगे, है ना? है कि नहीं है? देख लो, होंगे जरूर भाई, है ना? है। चलो, तो ये जो दांत है ना, तो दांत के बारे में थोड़ा सा तुम समझ लो, ज़्यादा हम समझाने वाले इसके बारे में है नहीं। क्यों? क्योंकि हमने इसी दांत के बारे में बढ़िया सा 40-50 मिनट का वीडियो बना रखा है, एकदम बढ़िया फुल डिटेल वाला, जिसमें तुम पीएचडी कर सकते हो। लिंक दे देंगे यहाँ पे, देखो लगा भी दिया है मैंने क्लिप, बढ़िया से देख लो। हालांकि थोड़ा बहुत समझाएंगे, बिल्कुल ठीक है, थोड़ा बहुत समझाएंगे आपको। आ जाओ, क्या हमारे जो टीथ हैं ये भैया कुल चार प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर, ठीक, ये चार प्रकार के दांत होते हैं। अच्छा, चार प्रकार के दांत सर कैसे होंगे जरा समझाओ, इधर देखो। तो एक, दो, तीन और चार, और इसी तरीके से एक, दो, तीन, चार, चार दांत ऊपर और चार दांत नीचे, ये होता है इंसीजर, ठीक, ये होता है इंसीजर। उसके बाद क्या है, उसके जस्ट बगल में एक दांत और इसके भी जस्ट बगल में एक दांत, उसी तरीके से नीचे वाले भी जाओ में, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। तो एक एक दांत ये होते हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं, इन्हें हम कहते हैं कैनाइन, इन्हें हम कहते हैं कैनाइन। अच्छा, उसके बाद क्या होता है, तीन तीन दांतों का सेट होता है, कितना? तीन तीन, एक दो तीन, और इधर भी एक दो तीन, ठीक है, इन्हें हम कहते हैं प्रीमोलर। और उसके बाद क्या होगा सर, दो दांत और होते हैं जिन्हें हम कहते हैं मोलर। इधर भी हमारा दो दांत होगा, ये तो हमारा क्या हो गया, प्रीमोलर हो गया, और इधर भी हमारा दो दांत होगा ना, तो एक और दो, इसे हम कहते हैं मोलर। जरा एक जा ये ऊपर वाले सेक्शन को जरा काउंट करो, तो देखो एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह। तो भैया तुम्हारे एक जा में ऊपरी वाली जबड़े में कितना दांत? 16 दांत, और नीचे वाले जबड़े में भी कितना दांत? 16 दांत। तो 16 16 कुल कितने दांत? 32 दांत हो गए, ठीक है। तो एक एडल्ट पर्सन में ये कुल 32 दांत होते हैं, ठीक है। लेकिन पूरे जीवन काल में एक आदमी को कुल 52 दांत आते हैं। क्यों? क्योंकि मिल्क टूथ जो होता है ना, उसमें सिर्फ 20 दांत आते हैं, ठीक है, और वो टूट करके फिर से दूसरा दांत आ जाता है, तो इसलिए हम उसे टेम्परेरी टूथ कहते हैं। और इन सभी को हम क्या कहते हैं? परमानेंट कहते हैं। मतलब जो एक बार आ जाए
और दोबारा जाए नहीं, उसे परमानेंट, और जो एक बार आया और टूट टट के चल गया उसे कहते हैं टेम्परेरी। तो टेम्परेरी टीथ की संख्या होती है 20, ठीक है, और परमानेंट टीथ की संख्या होती है हमारे पास कितनी? तो भैया ये बताओ, 20 तो आएगा टूट टट के चल जाएगा, तो बचा कितना? 16 दांत ऐसे, तो जो आएंगे तो फिर जाएंगे नहीं वो, ठीक। और पूरे जीवन काल में कितने दांत? तो 52 दांत। क्लियर हो गया, ठीक। दांत कितने प्रकार के भैया? इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। क्लियर, बोलो इतनी बात क्लियर हो गई कि नहीं? ठीक है, अच्छा अब ध्यान से सुनो, हमारे जो आगे के चार चार दांत हैं, ये देखो आगे के जो हमारे चार दांत हैं जिन्हें हम इंसीजर चिल्ला रहे हैं कब से, इनका काम होता है काटना। जैसे मम्मी ने क्या किया बढ़िया तरीके से, गाँवों में क्या होता है ना, नमक और रोटी, ठीक है, नमक रोटी और तेल, कड़ुआ तेल सरसों वाला लगा करके चुंगिया को तुमको पकड़ा देंगी, लड़का को पकड़ा देंगी तो लिए रहता है बढ़िया से काजर वजर लगाए रहता है और आराम से पकड़ेगा और ऐसे करके धड़ाम से काटता है। तो देखो इन्हीं दांतों से वो क्या करता है, काटता है। आपने किसी को देखा नहीं होगा कि वो क्या करे, ऐसे करके चुंगिया करके बढ़िया रोटी पकड़ा है और वो इधर इस साइड में लगा रहा, ऐसा तो कभी नहीं हुआ है, ठीक है, आगे की तरफ से काटता है। तो आगे के दांत हमारे काटने के लिए होते हैं, बाइट करने के लिए होते हैं, ठीक है। अच्छा इनके जस्ट बगल में क्या होता है, इनके जस्ट बगल में एक एक दांत का सेट होता है, इसे हम कहते हैं क्या, इसे कहते हैं कैनाइन, और कैनाइन का मतलब होता है फाड़ना। आपने देखा है कभी गन्ना आकर आप कभी यूज में लाओगे तो आप क्या करते हो, उसको साइड में लगाते हो, तो यहां वाला जो हमारा साइड साइड का दांत होता है वह किसी चीज को फाड़ने का काम करता है। अच्छा उसके बाद क्या है, प्रीमोलर और मोलर, ये सभी भैया एकदम गेहूं का चक्की है, ये सब क्या करता है, हमारे फूड को छोटे छोटे पार्टों में डिवाइड करता है। जो आपने फूड खाया है उसे हमारे इन दांतों के द्वारा क्या कर दिया जाता है, छोटे 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 पार्टों में डिवाइड कर दिया जाता है, ठीक है। इतनी जानकारी हमें जो है लगता है कि ठीक ठाक है, और भी ज़्यादा बहुत सारी टीथ के बारे में जानकारियाँ हैं लेकिन हम यहाँ उसे एक्सप्लेन नहीं करेंगे, हमने आपको पहले ही बता दिया कि आप एक बार वीडियो देखना, वीडियो में पूरा फुल हमारी कोशिश है कि एक भी जो भी क्वेश्चन हो आसान बड़े आराम तरीके से आपसे वहां पे कंप्लीट हो जाएंगे, तो एक बार उसको आप प्लीज जरूर देख लीजिएगा, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। चलिए आइए, ये तो समझ में आ गया कि सर ठीक है, हमने जो खाना खाया उसको आपने क्या किया, कूट काट के बढ़िया तरीके से छोटा छोटा कर दिया। अच्छा अब क्या है, अब देखो भैया अब हमारे पास है टंग, टंग देखो ये जीभ देख रहे हो ना, जीभ, अरे वही जीभ जिसे छुलनी लेकर सुबह सुबह छोलते हो, वही वाला जीभ है। देखो तो ये देखो कुछ इस तरीके से ऐसी संरचना इसकी होती है, ऐसे ऐसे करके, ठीक है। तो जीभ से क्वेश्चन क्या पूछता है, पहली बात बताओ कि जीभ का काम क्या है, इस टंग का काम क्या है। तो इस टंग का काम ये है कि जब हमारा दांत हमारे द्वारा लिए गए फूड को काटता पीसता और फाड़ता है तो हमारी जीभ कहती है कि भैया हम थोड़ा सा एक काम करते हैं, ये ऊपर नीचे बढ़िया तरीके से चलाती रहती है, ये एक तरीके की पलटा है। जैसे कड़ाही में कोई सब्जी रख लिए हो तो आप उसे कैसे चलाते हो, पलटा से खबरते हो ना बढ़िया तरीके से, ऊपर नीचे, तो उसी तरीके से ये भी काम करती है, ऊपर नीचे बढ़िया तरीके से उसको खबर देती है, जिससे क्या हो कि हर पार्ट, भोजन का हर पार्ट जो है वह छोटे छोटे पार्टों में डिवाइड हो जाए, ठीक। अच्छा इससे क्वेश्चन क्या पूछेगा, कहता है कि बताइए कि जीभ का आगे वाला भाग, ठीक है, जीभ का इससे ऊपर, ये देखिए जीभ को हमने अलग अलग सेक्शन में इस तरीके से डिवाइड कर दिया है, ठीक है, ऐसे, ठीक। तो कहता है कि जीभ का ये अग्रभाग जो है, ये वाला भाग, ये बताइए किस तरीके का टेस्ट जो है ये फील करता है, किस तरीके के टेस्ट को ये आइडेंटिफाई करता है। तो आप कहना कि सर ये स्वीट करता है, मीठा, अगर जलेबी खाओगे तो ये आगे वाला जो है बताता है कि जलेबी मीठी है। अच्छा उसके बाद ये क्या करता है, ये है भैया सेल्टी, सेल्टी का मतलब क्या है, नमकीन, ठीक है। ये जो सेल्टी है तो ये यहाँ से पहचान होती है हमारे जीभ के इस वाले पोर्शन से, उसके ऊपर वाले पोर्शन से क्या होता है, तो यहां से सोर, सोर का मतलब क्या है भैया, खट्टा, और जस्ट इसके इस वाले पोर्शन में आप जाओगे तो इस वाले पोर्शन में क्या होता है, बीटर, और बीटर का मतलब क्या होता है, कड़वा, करेला और रेला जैसा लगता है, तो वो इस वाले पोर्शन से आपको पता चलता है। और आप देखे हो, जैसे मान लो हमने आपको क्या किया ना, एक आंवला पकड़ा दिया, आंवला बड़ा खट्टा है, तो देखते हो कभी कभी जो आंवला खाता है ना तो वो यहां से बताता है, अरे यार खट्टा बहुत ज्यादा है, कभी ऐसा कौन किया है, खट्टा है बहुत ज्यादा, ऐसा कोई नहीं बोलता है, यहां से उसको देखोगे फील करोगे ना,
ऐसे करेगा तो यहाँ पे समझ में आता है, तो जीभ का वही वाला भाग तो बताता है, इसीलिए तो यहाँ मुंह को दबा करके वो बोलता है खट्टा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमारी जो है ये जीभ का पोर्शन हो गया। अच्छा इस तरह ऐसा होता क्यों होगा, देखो आप लोगों को जब हम पूरा पूरा न्यूरल सिस्टम बढ़िया तरीके से समझाएंगे ना, तो उसमें आपको समझाएंगे कि हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम, हमारी बॉडी का जो ये सेंसेशन का मैकेनिज्म है ये कैसा होता है। अभी जैसे हमारे पैर में चूंटा काट ले तो हमको पता चल जाता है, इसका एक मैकेनिज्म होता है, हमारे ब्रेन को बताया जाता है देखो भैया चूंटा काट रहा है तुम कुछ करना चाहते हो कि नहीं, हमारा हमारा जो फीडबैक आता है वो कहता है भैया दूसरा वाला पैर खाली है क्या, हम कहते हैं हाँ, कहते उसी के ऊपर पटक दो, ठीक है। इस तरीके के बहुत सारे सेंसेशन, बहुत सारा फीडबैक हमारे ब्रेन के द्वारा दिया जाता है और हमारी बॉडी फिर एक्शन लेती है, ठीक है। ये सारी चीजें आपको समझाएंगे, लेकिन इसके लिए फिलहाल आप समझ लीजिए क्या कि भैया देखो होता क्या है ना, इसके ऊपर छोटे 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 से बर्ड्स होते हैं, ऐसे छोटे 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 जीभ देखो एकदम प्लेन नहीं है, कभी बढ़िया सा अपना मुंह खोल करके शीशे में देखो तो इस पर खरबुदड़ा टाइप का है, उस पर छोटे 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 ऐसे बर्ड्स होते हैं, बर्ड्स मतलब बिंदी बिंदी टाइप का, ठीक है, और ऐसे पूरा पूरा इसमें फैला रहता है इस तरीके से सब में, ठीक है ठीक है। इन्हीं बर्ड्स की मदद से ये बर्ड्स का एक तरीके की सेल्स हैं, तो ये सेल ही बताते हैं कि देखो भैया जो तुम खा रहे हो वह जलेबी है या कि तुम मिर्चा चबा रहे हो, ठीक है। तो इन बर्ड्स के द्वारा जो है इसको बताया जाता है, ठीक है। हायर एग्जाम्स में इसमें बर्ड्स को भी अलग अलग नाम देते हैं, लेकिन आप सभी के लिए इतना सफिशिएंट है, उससे ज्यादा पढ़ने लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए अच्छा माउथ वाले सेक्शन में दूसरा पोर्शन हमें समझ में आया टंग क्या होता है। अब आइए आगे बढ़ते हैं, अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं कौन सा पोर्शन हमारा बचा है, अब बचा है सलाइवा। सलाइवा भैया इस पूरे माउथ के सेक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई सेक्शन है तो वो है सलाइवा, और दूसरे नंबर पे टीथ वाला था, ठीक है। तो टीथ और सलाइवा से क्वेश्चन जरूर आते हैं, टंग से एक आध क्वेश्चन कभी पूछ लेता है तो पूछ लेता, नहीं तो नहीं पूछता है, लेकिन सलाइवा को जरा ध्यान से सुनिएगा। देखो जैसे ये है हमारा पूरा माउथ का सेक्शन, ठीक। अब इसका आँखों किधर है, जैसे मैं ऐसे करके हूँ ऐसे, ठीक है, तो ये वाला सेक्शन है। होता क्या है कि हमारे इस कान के जस्ट बगल में एक इस तरीके से ग्लैंड है, ऐसे ऐसे करके, बात समझ रहे हो, ये, और उसके जस्ट नीचे एक ग्लैंड यहाँ पे है और एक ग्लैंड यहाँ पे है, ठीक। ग्लैंड का मतलब क्या, आप ऐसे समझो जैसे आप लोगों ने जो फोर व्हीलर गाड़ियों को देखा है तो उसका जो सामने वाला फेस विंड स्क्रीन बढ़िया आगे वाला होता है ना, उसके नीचे देखोगे ना तो दो छोटे छोटे नोजल लगे होते हैं, तो अंदर से पता नहीं कौन सा बटन दबाता है तो ऊपर से क्या आता है पानी आ जाता है, नीचे मतलब नीचे से उस नोजल से क्या होता है पानी आ जाता है, और फिर वाइपर मार देता है तो उसका आगे वाला ग्लास बढ़िया तरीके से साफ हो जाता है। उसी तरीके से आप इसे समझिए कि ये भी एक तरीके की क्या है, ग्लैंड्स हैं, लेकिन ये क्या रिलीज करेंगे, तो ये लार रिलीज करती हैं, लार, ठीक है। ये क्या रिलीज करती हैं, लार। इनका नाम आपसे पूछेगा और क्या पूछेगा मैं आपको बताता हूँ। देखो पहला क्या है, पैरोटिड, पहला है पैरोटिड, दूसरा क्या है भैया, सब मैंडिबुलर, सब मैंडिबुलर, सब मैंडिबुलर। अच्छा तीसरा क्या है, सब लिंगुअल, सब लिंगुअल, ठीक है। ये तीन भैया क्या है, ग्लैंड्स हैं हमारे इस माउथ के सेक्शन में, तीन ग्लैंड्स हैं। कहाँ कहाँ है सर, एक देखो भैया ये जो कान कनपट्टी देख रहे हो इसके जस्ट बगल में यहाँ पे क्या है, पैरोटिड है, ठीक। अच्छा अब दो ठे और कहाँ है सर, देखो हमारा जो ये जीभ है ना उसको पकड़ करके ऊपर उठा दोगे तो जीभ के हल्का सा नीचे जो है एक है, उसे कहते हैं सब लिंगुअल, और उसी सब लिंगुअल के थोड़ा सा पीछे जाओगे तो आपको एक और मिलेगी, उसे कहते हैं सब मैंडिबुलर, ठीक। अच्छा इसमें सबसे बड़ा कंफ्यूजन क्या है, आप पैरोटिड को याद कर लोगे, इसमें सबसे बड़ी कौन सी है, तो पैरोटिड है, लेकिन आप इसमें कंफ्यूज हो जाते हो और लोकेशन भी भूल जाते हो। आप ऐसे याद करो, देखो सब मैंडिबुलर, और मैंडिबुलर में देखिए मैंडिबुलर का मतलब यह इंडिकेट कर रहा है कि देखो भैया मैं बीच में हूं, मैंडिबुलर का मतलब आप इस तरीके समझिए कि मिडिल, कह रहा है कि मैं बीच में हूँ, तो आसपास में कौन होगा, बगल में कौन होगा, पैरोटिड और सब लिंगुअल होंगे। अच्छा इसका मतलब सब मैंडिबुलर हमारा बीच में हो गया और ये दोनों पास पास में हो गए। अब सर ये बताइए बड़ा छोटा कैसे पहचान करेंगे, तो आप ऐसे करिए ना, देखो ऊपर से सबसे पहले चलो पैरोटिड, पैरोटिड से सब मैंडिबुलर, सब मैंडिबुलर से सब लिंगुअल, ठीक। तो सबसे बड़ा कौन सा, पैरोटिड, उसके बाद कौन सा सब लिंगुअल, उसके बाद कौन सा सब मैंडिबुलर, ठीक है सब मैंडिबुलर, और उसके बाद कौन सा होता है सब लिंगुअल होता है। इस बात को आप बढ़िया तरीके से याद कर लेना, इस बात को बढ़िया तरीके से याद कर लेना, यहाँ से क्वेश्चन 100% पूछता है, ठीक। अच्छा ये तो ग्लैंड्स हो गई सर, इनका काम क्या होता है,
इनका काम होता है यहाँ से लार निकलती है। अरे लार का मतलब क्या, लार का मतलब सलाइवा, यहाँ से सलाइवा निकलती है। वही लार जो तुम्हारे मुंह से निकलती है जलेबी देखने के बाद, वही लार की, उसी लार की मैं बात कर रहा हूँ। देखो इस लार में क्या होता है सर, इस लार को 99.5% और 0.5% में हम डिवाइड कर देते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इस लार का 99.5% वाटर होता है, वाटर जल, ठीक है। अच्छा 0.5% क्या होता है, तो इसमें दो चीज़ें होती हैं, क्या क्या इसमें दो चीज़ें होती हैं, एक तो भैया क्या होता है एंजाइम्स इसमें होता है, और इन एंजाइम्स में एक होता है टाइलिन या फिर एमाइलेज, एमाइलेज, और दूसरा क्या भैया लाइसोजाइम, लाइसोजाइम। ये याद रखिएगा, ये याद रखिएगा, क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा। मैंने फिर से बता, एक बार फिर से एक्सप्लेन करता हूँ, जरा ध्यान से सुनो क्या। अच्छा अभी इस वाले सेक्शन को मैं फटाफट इरेज कर देता हूँ, नहीं 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 करता हूँ यार, नहीं दिक्कत हो जाएगा, चलो अच्छा इधर ही समझ लो आप। देखो लार में क्या होता है कि दो चीज़ें होती हैं, एक तो हम क्या लार को सबसे पहले दो भागों में डिवाइड कर दिए, हमने कहा देखो भाई लार का 99.5% जो होता है वो वाटर होता है, और 0.5% इसमें क्या होता है, तो इसमें टाइलिन होता है और लाइसोजाइम होता है। याद रखना चचा लोग, भैया सॉरी भाई, भाई लोग, ठीक है ठीक। लाइसोजाइम क्या करता है, ये बैक्टीरिया को किल करता है, किल द बैक्टीरिया, किल द पैथोजन्स, ठीक है, किल द बैक्टीरिया एंड पैथोजन्स, मतलब कि भैया पैथोजन को किल करेगा। अच्छा ये क्या करता है सर, अरे ये क्या करता है बताओ जल्दी, ये कार्बोहाइड्रेट, ये कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करता है, ये कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करता है। एक बात ध्यान से सुन लो, डाइजेशन का मतलब क्या है, हमारे फूड में से ग्लूकोज को बाहर निकालने का प्रोसेस है डाइजेशन, ठीक है। तो यहाँ एक प्रोसेस सबसे पहला चल गया हमारे माउथ वाले सेक्शन में कि सर कार्बोहाइड्रेट से हमने क्या किया, इस कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज को बाहर निकालने की कोशिश हमारी चली। लेकिन जरा तुम ध्यान से सुनो, हम जो खाते हैं, जो भी फूड आइटम्स लेते हैं, उसमें स्टार्च होता है, तो ये क्या करता है, ये हमारा जो एमाइलेज है, ये स्टार्च को, स्टार्च को, ठीक है, क्या करता है, माल्टोज में कन्वर्ट करता है, स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करता है। ये क्या है सर, क्या बता रहे हो आप, देखो कार्बोहाइड्रेट का ही एक पार्ट है स्टार्च, ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है, तो इसे, इस कॉम्प्लेक्सिटी को क्या करता है, थोड़ा सा हल्का कर देता है, मतलब अभी ग्लूकोज में नहीं तोड़ा है, मतलब थोड़ा सा हल्का कर दिया है कि भैया माल्टोज तुम आगे जाओगे मशीन में तो तब तुम्हें तोड़ दिया जाएगा। ये बात सब लार में चल रही है। अच्छा और क्या तुम नोट करोगे, जरा ध्यान से सुनो, इतनी बात क्लियर हो गई, एक बात और सुनो, हमारे कार्बोहाइड्रेट का 30% पार्ट सिर्फ लार में, लार से क्या होता है, डाइजेस्ट होता है। हमारे कार्बोहाइड्रेट का 30% पार्ट ही क्या होता है, इसमें डाइजेस्ट होता है। अच्छा और क्या सर, और सुनो, हमारे लार का पीएच होता है भैया क्या, 6.8, कितना 6.8, अरे 6.8 का मतलब क्या, 6.8 का मतलब है कि हमारी लार एसिडिक इन नेचर होती है, हमारी लार क्या होती है, एसिडिक इन नेचर होती है, मतलब कि एसिडिक होती, ठीक है। इतनी बात बोलो क्लियर हो गया कि नहीं, ठीक है, अगर इतनी बात क्लियर हो गई है तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट लो, तो हम लोग फिर अपनी बातों को आगे बढ़ाते हैं। चलो भाई फटाफट इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो सभी लोग। चलो आ जाओ नेक्स्ट, अब हम लोग आगे चलते हैं। लार और तो बढ़िया से समझ में आ गया कि नहीं सभी लोगों को, बताओ कोई दिक्कत परेशानी, अगर हो तो कमेंट करके बता देना, ठीक। चलो आ जाओ, अब ये लार वाला सेक्शन हम लोगों ने पढ़ लिया, अब आगे अपनी बात को बढ़ाता हूँ। अब लार के बाद सर इसमें और क्या बचा, अरे लार के बाद कुछ बचा क्या, नहीं, तो फिर अब आगे बात बढ़ाई जाए। चलो आगे अब बात को बढ़ाते हैं भाई। देखो सर हमारे माउथ के सेक्शन में क्या क्या हुआ, देखो
सबसे पहला हमने उठाया था माउथ का सेक्शन, माउथ, और इस माउथ में क्या हुआ, हमारे फूड आइटम का बढ़िया तरीके से ग्राइंड कर दिया, पीस पास के छोटे छोटे पार्टों में तोड़ दिया, मतलब कन्वर्ट इनटू स्मॉल पीसेस, ठीक, अच्छा इसमें कर दिया। अरे सर और क्या किया, देखो भाई इसमें सलाइवा ऐड हो गई, ऐड सलाइवा, और क्या हुआ, अरे जब सलाइवा ऐड हो गई तो भैया यही सलाइवा क्या की, इसने क्या किया, स्टार्च से कन्वर्जन किया, किसमें, माल्टोज में, माल्टोज थोड़ा सा स्टार्च से क्या है, हल्का कंपाउंड है, ठीक है, जिससे कि आसानी से ग्लूकोज को निकाला जा सके। अच्छा इतनी बात समझ में आ गई। अरे फाइनली सर फिर हमारे माउथ में हुआ क्या, हमारे माउथ का जो फूड था वो देखने पे कैसा लग रहा है, ऐसे बेचारा हो गया, हमने इसको तोड़ ताड़ के बढ़िया तरीके से ऐसे बना दिया। अब इसका एक नाम है, याद रख लेना, कभी कभी पूछेगा बोलस, क्या बोलस, आपसे कहता है कि हमारे माउथ में जो बढ़िया तरीके से हमने फूड को ग्राइंड कर दिया है और सलाइवा वलाइवा को बढ़िया मिला दिया है, उसे क्या कहते हैं, उसे बोलस कहते हैं, ठीक। आप कभी भी देखो, हम लोग बढ़िया तरीके से देखो फूड आइटम को सजाते हैं, एकदम मस्त धनिया टमाटर फमाटर डाल के सजाते हैं, लेकिन थोड़ा सा मुँह में 6 बार खूँचने के बाद उसको जरा एक बार देखो, उसकी दशा समझ बेचारे के खराब हो जाती है, एकदम बेकार लगता है देखने में, उसे बोलस कहते हैं। और सुनो, अगर आपको लगता है, जैसे आपने कभी फील किया है कि किसी चीज़ को हम क्या करें, बार 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 अपने इस माउथ सेक्शन वाले में कूचें, तो कूचने पे क्या होता है, आपको पता है कि उसमें से स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट किया जाता है। अब ये सब शुगर है, तो देखो इसीलिए हम जब किसी चीज को बार बार कूचते हैं तो उसमें का जो ग्लूकोज होता है, उसमें का जो कार्बोहाइड्रेट होता है ना, वो क्या होता है, सिंपलेस्ट फॉर्म में ब्रेक होता है, इसीलिए हमको मिठास समझ में आती है, ठीक है। रोटी इतना सूखा ले लो, मुंह में डाल करके खूब बढ़िया से 36 बार कूच दो, कूचोगे तो हल्का आपको मिठास समझ में आएगा, वो इसी के लिए होता है, ठीक, इसी कारण ऐसा होता है, सलाइवा के कारण ऐसा होता है। चलिए, तो माउथ वाला सेक्शन हमारा निपट गया है, आगे चलते हैं भाई। इस माउथ वाले सेक्शन से देखो जरा हमारा फूड कहां गया। देखो फेरिंग्स के बारे में हम नहीं बताते हैं, ग्रसनी के बारे में कोई मतलब नहीं है। देखो ये नसल केविटी है, ये बकल केविटी, माउथ वाला सेक्शन, जहां दोनों मिलते हैं उसे कहते हैं क्या, फेरिंग्स, जहां दोनों मिलते हैं उसे क्या कहते हैं, फेरिंग्स। अच्छा उसके बाद सर हमारा भोजन कहां जाएगा, तो देखो फेरिंग्स के बाद हमारा भोजन जो है वह एपिग्लोटिस क्या करता है, यह एक ऐसा वाल होता है यहां पे, जिसका काम यह होता है कि हमारा भोजन कहीं इस विंड पाइप में ना चला जाए, यह इसको रोकता है। तो फिर यहां से हमारा फूड वो एक पाइप में आता है जिसका नाम है ओसोफेगस पाइप या फिर फूड पाइप, इसको याद कर लो। चलो भैया, तो सेकंड वाला हमारा क्या हो गया, फूड पाइप, फूड पाइप। आ जाओ जरा इसके बारे में सुनो, फूड पाइप का पहला डेटा यह है कि इसकी लंबाई भैया 25 सेंटीमीटर या फिर 10 इंच, इसकी लंबाई 25 सेंटीमीटर या फिर 10 इंच होती है। ये इस तरीके से एक क्या है, ऐसी एक पाइप है, ठीक है। इसमें जो ऊपर से बोलस है, कहाँ, तुम्हारे माउथ वाला जो वो बोलस था ना, वो इस तरीके से क्या होता है, ऐसे आता है बेचारा, ऐसे धीरे धीरे ऐसे करके ये यहाँ से ऐसे आपका बोलस नीचे आएगा। सर नीचे आएगा तो जरा बताइए कि यहाँ कौन सा हमारा ऑर्गन कनेक्ट है, तो यहाँ है भैया आपका स्टमक। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि बताइए हमारे ओसोफेगस पाइप से एक तरफ क्या कनेक्ट है, तो कहना आप ये एक तरफ तो हमारी क्या है, ग्रसनी है अर्थात फेरिंग्स है, और दूसरी तरफ क्या है, तो स्टमक है, ठीक। तो हमारा भोजन जानते हो कैसे आता है, धीरे 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 खिसकते खिसकते आता है, ठीक है। तो इसका एक मूवमेंट हो रहा है, और ऐसे मूवमेंट को हम क्या कहते हैं, ऐसे मूवमेंट को हम कहते हैं पेरिस्टेल्सिस मूवमेंट, क्या, पेरिस्टेल्सिस मूवमेंट,
इसे कहते हैं भैया हम पेरिस्टेल्सिस मोमेंट। बोलो क्लियर हुआ गया, क्लियर हुआ कि नहीं? ठीक है, अच्छा और क्या है, और क्या याद करोगे? देखो होता क्या है ना कि आप एक बात बताओ, ये वाल जो है हमारी ये ऐसी है ना कि अगर आप थोड़ा सा खाओगे तो ये पिचक जाएगी, ज़्यादा खाओगे तो थोड़ा सा फूल जाएगी। जैसे कुछ लोग शहर वहर में देखोगे ना तो स्पून से बढ़िया से खाता है, थोड़ा थोड़ा खाता है, इतना इतना खाता है। और गाँव में क्या होता है, वो बढ़िया तरीके से चावल दुनिया भर का सानेगा, इतना बड़ा उठा कर डाल देगा धड़ाधड़, तो जब इतना इतना खाएगा तो इस थोड़ा सा फूल जाएगा, बट ज़्यादा भोजन ऊपर से डाल रहा है तो ये हल्का सा क्या होगा, फूल जाएगा। और यहाँ से ये धीरे धीरे मतलब कि हमारा भोजन खिसकते हुए आएगा। हमारे ऑइसोफेगस हमारे इस फूड पाइप में ऐसा नहीं है कि आप यहाँ से भोजन डाल दो और झमाक से आकर के इसमें गिरे, ऐसा नहीं है इसमें। बात समझ में आया कि नहीं? ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी इसमें नहीं है। तो भोजन हमारा खिसकते हुए धीरे धीरे नीचे आता है, इसे कहते हैं पेरिस्टेल्सिस मोमेंट। अच्छा होता क्या है कि हमारी इस फूड पाइप से एक चिपचिपा टाइप का पदार्थ रिलीज कर दिया जाता है जिससे हमारे फूड को थोड़ा सा खिसकने में आसानी हो, तो इसे हम कहते हैं म्यूकस, म्यूकस। ठीक है, और ये म्यूकस जो है ना ये पैथोजन को पकड़ लेते हैं, कहते हैं बेटा तुम किधर जा रहे हो, तुम्हारा वहाँ जाना उचित नहीं है क्योंकि आगे तुम्हारे चचा है जिनका नाम HCL है। बात समझ गए कि नहीं? तो पकड़ के कूट देता है। तो यहाँ पे देखो ये सब क्या है, ये सब म्यूकस यहाँ से ऐसे रिलीज होते हैं जो फूड के मूवमेंट में जो है थोड़ा सा हेल्पफुल होते हैं, मतलब कि सहायक होते हैं। अच्छा तो ये फूड पाइप यहाँ तक हमारा भोजन अब आ गया है। अब देखो जाएगा कहाँ ये, तो ये आ जाएगा हमारे स्टमक वाले रीजन में। आ जाओ अब इधर सुनो सर, अब हमारा बोलस जो है वो फाइनली आ चुका है। थर्ड वाला पार्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं, क्या स्टमक। स्टमक का मतलब क्या है भैया? अरे वही पेट। ठीक है, अच्छा सर अगर हम ये देखें कि स्टमक तो हमारा होता कैसा है, तो स्टमक के ऊपर अगर आप देखोगे तो एक इस तरीके से एक ट्यूब है जिसे हम कहते हैं फूड पाइप, और ऐसे करके एक संरचना है जिसे हम कहते हैं स्टमक। तो स्टमक के ऊपर क्या है, तो फूड पाइप है, फूड पाइप है। और स्टमक के नीचे क्या है सर, तो स्टमक के नीचे है स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन। और स्मॉल इंटेस्टाइन का कौन सा पार्ट है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन का कौन सा पार्ट है जो स्टमक से लगा है, तो बताओ जल्दी। DJI, और DJI में तुम किसको टिक करोगे, तो डी को टिक करना, क्योंकि इस वाले पार्ट को हम क्या कहते हैं, ड्यूओडेनम कहते हैं। ये दोनों पार्ट भैया हमारे नीचे हैं, ये स्टमक से नहीं लगे हुए हैं। क्लियर हो गया? अच्छा देखो स्टमक के पास ऊपर एक इस तरीके से एक वाल है, और यहाँ भी एक ऐसे इस तरीके से वाल है। इस वाल का नाम है कार्डियक मसल, कार्डियक मसल। अभी समझाता हूँ ये सब क्या है, और इसे कहते हैं पाइलोरिक, क्या पाइलोरिक मसल, इसे कहते हैं पाइलोरिक मसल। ठीक है सर, काम क्या है इन सभी का थोड़ा बताओ। देखो जैसे इस फूड पाइप से जो भोजन है ये खिसकते हुए, इस फूड पाइप में जो भोजन आ रहा है इसका नाम बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। तो भैया इसका नाम क्या है, बोलस, बोलस। और ये बोलस जब नीचे आ जाएगा स्टमक में, तो जब भोजन हमारा यहाँ पे आ जाता है ना, जब भोजन हमारा यहाँ पे आ जाएगा तो इधर से इसको बंद कर दिया जाएगा, ऐसे करके इसको बंद कर लिया इसने, और फिर क्या होता है, यही थोड़ा सा मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट होगा और एक्सपेंड करेगा, कॉन्ट्रैक्ट एक्सपेंड, कॉन्ट्रैक्ट एक्सपेंड। इससे क्या होता है कि धक्का धक्का होता नहीं कि जैसे किसी चीज को फुला भचकाओ, तो अंदर वाला बेचारा बड़ा डिस्टर्ब हो जाता है, कहते अरे यार क्या कर रहे हो भाई, थोड़ा रहने दो। तो उस तरीके की कुछ इसका मैकेनिज्म होता है। ठीक है, तो इन दोनों को बंद करके फिर इनको बढ़िया तरीके से कूटता है जो अंदर आता है। ठीक, अच्छा और क्या है, देखो अंदर क्या होता है कि इस तरीके से एक वाल होती है, ऐसे ऐसे करके एक वाल होती है, किसके अंदर, अरे हमारे पेट के अंदर, इसे कहते हैं म्यूकस, म्यूकस की वाल है। ठीक, म्यूकस की वाल है, और ये जो वाल है हमारी ना, इसी में होती हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, क्या होती हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं। ठीक है, इसी में क्या, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं। गैस्ट्रिक ग्लैंड करती क्या हैं,
ये HCl म्यूसिन ठीक है, और प्रोटीन से रिलेटेड कुछ एंजाइम्स ठीक है। प्रोटीन मैं लिख दूं, डायरेक्ट नाम ही लिख दूं उसका। चलो भाई एक लिख दिया रेनिन और एक लिख दिया क्या पेप्सिन, और क्या लिखा लाइपेज। इसको ये रिलीज करती हैं। अभी इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से हम लोग चलेंगे कि इनका क्या एक्शन होता है उसको सब समझाएंगे, लेकिन फिलहाल के लिए समझो ये कुछ एंजाइम्स रिलीज करती हैं। क्या क्या, एक तो HCl हमारा रिलीज कर रहा है, और ये सब कौन रिलीज कर रहा है, अंदर वाला एक लेयर है वही सब ये रिलीज कर रहा है। क्या क्या, HCl म्यूसिन रेनिन पेप्सिन और लाइपेज ठीक है। अच्छा इतनी बात समझ में आ गई यार, ठीक है थोड़ा आगे चलता हूँ फिर इसको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा क्योंकि मुझे इसको सब इरेज करना पड़ेगा। देखो एक दो तीन बातें नोट कर लो, हमारा भोजन 4 से 5 घंटे के लिए इस स्टमक में रहता है, 4 से 5 घंटा, और जब ये 4 से 5 घंटा रहता है ना तो इसकी दशा और ख़राब हो जाती है। तो दशा जब ख़राब हो जाएगी तो हम इसका अलग नाम देंगे और इसे कहते हैं काइम। क्या कहते हैं, कालम लिख दिया हूँ भाई, इसे कहते हैं काइम ठीक है। ये लिखा CHYME, इसे कहते हैं काइम ठीक है। अच्छा इसमें से भैया जो हमारा HCl निकल रहा है ना तो इसका pH कितना होता है 1.8, इसका मतलब हमारे काइम को, हमारा काइम किस मीडियम का हो जाएगा। ये बेचारा कहता है भैया हम तो एसिडिक हो गए हैं क्योंकि हमारे ऊपर HCl बहुत ज़्यादा आ गया है। क्लियर हो गया, बोलो इतनी बात क्लियर है। अच्छा एक बात और सुन लो, हमारा जो ये HCl यहां से रिलीज हो रहा है, गैस्ट्रिक जूस हमारा जो ये रिलीज कर रहा है, इसका 2-3 काम है भैया, इसे जरा ध्यान से सुन लो। क्या नीचे यहां दिख रहा है कि नहीं, अच्छा मैं ऊपर से इरेज करता हूं जिससे कि मैं यहां पे बढ़िया तरीके से लिख सकूं, है ना। चलो इसको यहां से मैं इरेज कर दे रहा हूं, आप लोग नोट किए हो कि नहीं हमारे साथ। चलो आ जाओ जरा देखो, ये जो हमारे पास भैया HCl है ना, इसका 2-3 काम है। पहला काम जरा तुम ध्यान से सुनो, जब हम पालक खाएंगे, जब हम पालक खाते हैं या फिर खाएंगे, तो पालक में होता है आयरन, और आयरन का Fe3+ जो होता है इसको ये Fe2+ में कन्वर्ट कर देता है। मतलब इस आयरन के डाइजेशन में HCl इम्पॉर्टेंट रोल को प्ले करता है HCl ये तो क्या करेगा, किल बैक्टीरिया, किल पैथोजन्स लिख देता हूँ भाई, पैथोजन समझते हो ना, अरे वही छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हमें इन्फेक्शन पहुंचा देते हैं उनको भी ये खात्मा कर देगा। और काम क्या करेगा सर, अभी देखो हमने आपको बताया था कि भैया देखो रेनिन और क्या होता है हमारे पास पेप्सिन होता है, तो ये दोनों इनएक्टिव फॉर्म में पाए जाते हैं, और इनएक्टिव फॉर्म का मतलब क्या, इसका होता है प्रो रेनिन, और ये किस फॉर्म में पाया जाता है, तो ये बेचारा पाया जाता है प्रोपेप्सिन। तो इन दोनों को ना ये सभी इनएक्टिव फॉर्म में है, किस फॉर्म में है, इनएक्टिव फॉर्म में है। तो इन्हें एक्टिव करने के लिए क्या करता है, HCl आता है, कहता है चचा लो रेडी हो जा तुम्हें कुछ काम करना है, तो इन्हें ये एक्टिव कर, ऐसे कर देता हूँ, एरो इधर का नहीं इधर का करता हूँ, ये देखो तो इस तरीके से इन्हें ये एक्टिव करने का काम करता है, भैया रेडी हो जाओ तुम फटाफट। देखो रेनिन और पेप्सिन दोनों जो हैं यह प्रोटीन डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम हैं, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम हैं। सर करते क्या हैं, क्या ये डायरेक्ट अमीनो एसिड में ब्रेक करते हैं, नहीं ये पेप्टाइड्स मतलब कि इसका पेप्टोन और पेप्टाइड में ये कन्वर्ट कर देते हैं। सर ये पेप्टोन पेप्टाइड क्या बोल रहे हो आप, अरे पेप्टोन पेप्टाइड का मतलब ये है कि अमीनो एसिड से अभी थोड़ा सा बड़े मॉलिक्यूल्स में ये से ब्रेक करते हैं, इतनी बात आप समझ लो। एक दो डेटा नोट कर लो, देखो छोटे बच्चे क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा धड़ाधड़ दूध पीता है जो पैदा हुआ है, देखोगे उसकी मम्मियों पिलाती हैं ठीक है, थोड़ा 6 महीना पार कर जाएगा तो निपले उसको पकड़ाए रहते हैं, भैया पकड़ो पियो तो मोटाएंगे, पड़ोसी का रिकॉर्ड काटना है तुमको, खूब धड़ाधड़ दूध पिलाती हैं। तो होता क्या है कि बच्चों में रेनिन पाया जाता है, इन बच्चों में एक प्रोटीन होती है जिसे कहते हैं रेनिन। ये रेनिन क्या करता है, इस प्रोटीन वो जो बहुत तगड़ा सा दूध पी रहा है ना उसको फटाफट दूध को फाड़ देगी और फाड़ करके पचाने का काम करती है ठीक है। तो रेनिन जो है बच्चों में दूध को पचाने का काम करती है,
ठीक है, बच्चे इसीलिए बहुत ज़्यादा दूध पी लेते हैं। लेकिन समस्या सुनो, रेनिन जो है ना, ये 2 से 3 साल की वर्ष, जब 2 से 3 वर्ष का बच्चा होता है, रेनिन जब 2 से 3 वर्ष का बच्चा होता है तो ये रेनिन धीरे 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 ख़त्म होने लगता है। और एक समय ऐसा आता है जब बच्चा हमारा 5 साल से 6 साल या फिर 14-14 साल का लगभग है इसका डेटा है, ठीक है, तब ये धीरे धीरे ख़त्म, इसका मतलब है कि आगे चल करके ये ख़त्म हो जाता है, अब वो ज़्यादा दूध नहीं पचा पाएगा। तो सर फिर कौन पचाता है? भैया पचाता यही चचा है, कौन? पेप्सिन। एडल्ट में हम मिल्क को कौन डाइजेस्ट करता है? तो आप बताना, पेप्सिन। कौन? पेप्सिन बताना आप, ठीक। अच्छा, तो लाइपेज भी था, तो लाइपेज भी क्या करता है इसमें बढ़िया तरीके से डाइजेस्ट करेगा, किसको? फैट को, ठीक है। अच्छा, एक बात नोट करो, क्या कि यार पेट में हम ये देख रहे हैं कि ये है और लाइपेज है, सर कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड कुछ नहीं है क्या? अरे नहीं भाई, देखो स्टमक में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन नहीं होता, स्टमक में कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन नहीं होता, इसको 3-4 स्टार मार के लिख लो, यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा आप सभी से, इसको फटाफट अपनी कॉपी में आप सभी लोग नोट कर लो, ठीक है। इतनी बात नोट हो गई है तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब इतनी बात बोलो नोट हो गई? हो गया। चलो एक बात जरा और सुन लो, मिल्क को आप देखते हो तो मिल्क जो होती है, मिल्क कैसा दिखता है? वाइट दिखता है। तो ये जो मिल्क है ना, ये जो मिल्क आपको वाइट दिख रहा है, क्यों दिख रहा है? क्योंकि इसमें केसीन नाम का प्रोटीन है, इसमें केसीन नाम का एक प्रोटीन है। अरे सर केसीन नाम का प्रोटीन? हाँ, केसीन नाम के प्रोटीन के कारण ही मिल्क हमें कैसा दिखाई देता है? वाइट दिखाई देता है। अरे सर मिल्क तो हमको हल्का पीला भी दिखाई देता है। जी हाँ, मिल्क जब आपको पीला दिखाई दे तो उसका रीज़न क्या है? तो वो है भैया कैरोटीन। तो कैरोटीन के कारण मिल्क हमें कैसा दिखाई देता है? कैरोटीन के कारण हमें पीला और इसके कारण हमें सफ़ेद दिखाई देता है। एक जानकारी मैं आपको दे देता हूँ, देखो 1 से लेकर के 5 साल तक जो बचा हुआ लोग हैं उनको आप भैंस का प्योर दूध मत पिलाया करो। क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि भैंस के दूध में 7.60% क्या होता है? फैट होता है, फैट होता है, ठीक है। और गाय का जो दूध होता है उसमें 3.60 फैट होता है, मतलब जस्ट इसका आधा, आधा से भी कम देख रहे हो आप। तो अगर किसी बच्चे को हम भैंस का बढ़िया वाला दूध एकदम प्योर वाला खाटी वाला बढ़िया पिला दिए तो वो बौरा जाएगा, अब बहुत ज़्यादा मोटा जाएगा, अब मोटापे का शिकार हो जाएगा, तो बड़ी समस्या हो जाएगी। इसलिए बैलेंस डाइट के तौर पे आप उसे ये वाला मिल्क प्रीफर करो, कौन सा? 3.60 वाला परसेंट वाला जो है। सॉरी, ठीक है, बोलो इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं? तो आज तक हम लोग अपनी क्लास को बस यहीं पे रखते हैं, आगे नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, आगे की क्लासेस हम लोग स्टार्ट करेंगे, तो समझने वाले हैं कि यहाँ से जब वो स्टमक में आ गया है, अब स्टमक में 2 हमारी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स इन्वॉल्व होंगी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सी? एक तो लीवर और इधर से पैंक्रियाज। तो हम लोग एक वीडियो में समझेंगे कि लीवर और पैंक्रियाज का इस वाले हमारे फूड पे क्या एक्शन हो रहा है, और ये बहुत ही कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है, बड़ा मज़ेदार टॉपिक है। आपसे हम मिलने वाले हैं अगले वीडियो में इसी लीवर और पैंक्रियाज के साथ। तब तक के लिए सभी को जय हिंद। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने भैया बाबू बहनी जो भी बचा हुआ लोग हैं सभी लोग को वीडियो को फैला दो। जय हिंद।